So now we are going to start with exercise 12.3. अब ये जो exercise है बेटा, it is based on the special type of your quadrilateral. जो हमने किए थे ना, rectangle, square, rhombus, फिर trapezium, parallelogram, इस तरह के जो भी आपके quadrilaterals हैं, उनसे related जो properties हैं, उस पे base ये questions होंगे, right? So आपका very first question क्या है? In the rectangle ABCD, ये आपको एक rectangle given है, A, B, C, D, okay? Diagonals जो हैं वो intersect कर रही हैं, ठीक बेटा? ये जो, ये जो diagonals हैं, okay जी, ये intersect कर रही हैं at point O. Now if angle OAB, ये जो है, this is 30 degree, yes? Okay? So अब आपको क्या-क्या find out करना है? We have to find out angle ACB. Angle ABO, angle COD, and angle BOC. Yes. So how will you find out angle ACB? सबसे पहले हम angle ACB. मतलब हमें क्या find out करना है? पता है क्या? Have to find 90 degree. क्या करना है? 90 degree minus 30 degree. Why? मैम क्योंकि मैम 30 मैम angle CA sorry. Yes, C, A, B से हम अगर हम उसको opposite लेके जाएंगे तो मैम उसका आ जाएगा A, C, D. मैम वो वाला angle 30 degree है. तो हर angle हुआ angle rectangle का 90 degree होता है. तो 90 minus 30. Okay. You want to say that जो ये CD और AB है, they are parallel to each other. तो ये वाला जो एंगल है ये भी 30 हो जाएगा by the reason of alternate interior, right? और total हमें पता है कि ये 90 होता है, तो आप उस 30 को इसमें से माइनस कर सकते हो. निखिल, और कोई आप रास्ता बता सकते हो इस एंगल को निकालने का? All angles of rectangle is equal to 90 degrees, so B will be equal to 90 degrees. Yes, ये आपका 90 हो गया, okay. So हम ये ट्रायंगल ले लेंगे. 90 plus 30 plus angle x is equal to 180 degree. Yes. Some angle property of triangle or yes. Single line. C is equal to 60 degree. Okay, very good. ठीक है मनन, हम कोई भी point कर सकते हैं. तो I am picking up this. ठीक है, तो therefore angle ACB तो आ गया 60 degrees. Okay. यहाँ पे हम लिख देते हैं 60. Okay. अब बताओ A B O कैसे कैलकुलेट करें? Now we have to calculate this angle. Yes. अब इसके डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैम डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, सो मैम उसको हम छोटा ट्रायंगल लेके यस 90 प्लस 30 माइनस 180 माइनस 30 minus 90 is equal to x. बिल्कुल ठीक है. So ये आपका क्या आ जाएगा? हाँ जी. 60 degree आ रहा है मैम. A B O. Okay. अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें diagonals equal होते हैं? I think diagonals are equal. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? अगर आपके yes, ma'am. हाँ, diagonals अगर equal हो गए, 60 नहीं हो सकता ना, right? Right, ma'am. क्योंकि आप देखो ये 60 अगर आता है, right? 30 होगा. 30 कैसे? 30 भी होगा. फिर वो मैं बी का दूसरे वाला डायगोनल के दूसरे वाला साइड का भी निकल आएगा, तो मेरे को लगता है उसका हाफ करना पड़ेगा. कैसे बच्चे, आप ये वाला कह रहे हो टोटल? हाँ, मेरे को लग रहा है फिर टोटल आ जाएगा उसका. टोटल तो बेटा अभी नो 90 होता है, तो उसमें तो कोई हमें परेशानी नहीं है. रेक्टेंगल का तो 90 होएगा जी. रेक्टेंगल का जो मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने कहा था प्रॉपर्टीज याद करके रखना. सो मुझे बताओ कि एक रेक्टेंगल के केस में जो आपकी
ये डायगोनल्स होती हैं, आर दे परपेंडिकुलरली बाइसेक्टिंग ईच अदर? सॉरी मेरे को ये बताओ ना कि क्या आपको लगता है कि वो नहीं, ओके दे आर नॉट परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर बट दे आर बाइसेक्टर्स, मतलब वो इक्वल होती हैं, बाइसेक्टर का भी नहीं है, इक्वली बाइसेक्ट कर देती हैं बट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करती. सो वी कैन से कि AC इज इक्वल टू BD और आई कैन से ट्वाइस ऑफ OA विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB. सो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB. नाउ इक्वल साइड्स दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स. ओके सो ये हमारा एंगल जो है क्या आ गया 30 degrees. यस क्लियर बेटा? अब एंगल आता है सी ओ बी मैम. यस ए ओ बी क्या आएगा बेटा? हम ये छोटा ट्राइंगल ले लेंगे थर्ड पार्ट के लिए, राइट? थर्ड पार्ट के लिए जब आप इसको लेंगे ट्राइंगल को तो सम एंगल प्रॉपर्टी लगा के 30 + 30 = 60 प्लस एंगल ए ओ बी is equal to 180 degree, right? 120 degree. हाँ जी, तो एंगल AOB क्या आ गया बेटा? 120 degrees. तो ये वाला एंगल आपका आ रहा है 120 degrees. अब ये एंगल इसके इक्वल होगा by vertically opposite angle. Yes. Angle COD. तो COD क्या है आपका? 120. तो ये क्या आ गया? Vertically opposite angles. Okay, now third part हो गया. अब fifth part देखते हैं, sorry fourth part देखते हैं. Angle, हाँ जी, BOC. आप इसमें देखो, आप angle AOB plus angle BOC किसके equal होगा बेटा? राशि, angle AOB plus angle BOC क्या ये yes, linear pair हो जाएगा? तो linear angle property लग जाएगी इसपे, ठीक बेटा? एंगल बी ओ सी आपका आ जाएगा 180 में से हम 120 माइनस कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग 60 degree. सो यू गॉट द आंसर? यस मैम. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको रोम्बस गिवन है, ठीक है? अब रोम्बस की प्रॉपर्टी सारे दिमाग में ले आओ फटाफट से, क्या क्या होती है. दिस इज ए बी सी डी, ओके. अब इसकी जो डायगोनल्स हैं दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ, ऐसे मान लेते हैं, ओके. ये है पॉइंट ओ. ये जो एंगल गिवन है दिस इज गिवन टू बी 53 degree, ओके. अब व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ओ ए बी, राइट, एंगल ए डी सी एंड एंगल बी सी डी. यस बेटा, यस. सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं डायगोनल्स, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90. सो फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ओ ए बी प्लस 90 प्लस 53 विल बी इक्वल टू 180 degree. क्यों होगा 180 degree के इक्वल? बिकॉज ऑफ सम एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है? एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 143, तो कितना आएगा बेटा ये? 37 degrees. ओके सो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी? 37 degrees. नाउ कम्स एंगल ए डी सी. अब एंगल ए डी सी कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखो बेटा, इसमें आपको याद हो तो ये जो डायगोनल होती है ना बेटा, ये एंगल को ना बाइसेक्ट कर देती है. तो एंगल ए बी सी आपका क्या बन जाएगा? एंगल ए बी सी. ये पूरा एंगल क्या बनेगा? 53 × 2, ठीक. तो कितना बन गया? 106. यस मैम, राइट, 106 बन गया. अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा? यस, क्योंकि ये क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे. देयरफॉर एंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू 106. ओके 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 मैम, 106
डिग्रीज। अब आता है एंगल बी सी डी। अब देखो आपको पता है कि ये एक क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल पैरेललोग्राम। तो उस केस में बेटा ये वाला एंगल जो है एंगल बी, ठीक है, और एंगल सी, ये दोनों कौन से एंगल बन जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। थर्ड पार्ट के लिए आपका एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ओके इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहा है, को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहा है एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल बी सी डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 106। तो क्या आ गया आपका बेटा 74 डिग्रीज। यस, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ जी। सो अब देखो बेटा, ये ना हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसमें ये सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल ए डी बी आपने कैलकुलेट कर लिया। वो कैसे आपने कैलकुलेट किया, वो हमने कैलकुलेट किया क्योंकि हमें टोटल एंगल पता है 90 है, 90 में से हमने इक्विलेटरल का एंगल जो है वो माइनस कर दिया 60। इक्विलेटरल के सारे एंगल्स क्या होते हैं बेटा, दे आर ऑल इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 30 आ गया आपका, ठीक। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट ए ई डी, हमें तो ये कैलकुलेट करना है ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, अब देखो ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, इसका मतलब जो ई डी है दैट विल बी इक्वल टू डी सी, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है तो ए डी इज इक्वल टू डी सी। अगर ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना। तो इससे हमें क्या पता चला, ED is equal to ADE। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि equal sides they always subtend equal angle, ठीक बेटा। तो therefore angle AED plus angle DAE plus 30 degree will be equal to 180 degree, ठीक है। So twice of angle AED, हाँ, इज इक्वल टू 50, तो हमारा एंगल ए ई डी जो है दैट कम्स आउट टू बी 75। अब बताना है ई ए बी, अब ये हमें पता चल गया 75 है, टोटल हमें पता है 90 है, राइट। तो सेकेंड पार्ट के लिए तो सिंपल हो जाएगा कि एंगल ई ए बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए सॉरी बी ए ई, ठीक। तो ये माइनस करेंगे तो ये आ गया 15 डिग्री, 90 माइनस 75। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स। अब देखो हमें, हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, ये हमें पता है, ये हमें पता है, हमें निकालना है ए ई सी का रिफ्लेक्स, मतलब ये चीज निकालनी है। तो आप इसको और इसको प्लस कर दो, 75 प्लस 60, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, आप उसको 360 में से माइनस कर देते हो। रिफ्लेक्स एंगल जो है आपने कैलकुलेट करना है जब, तो हम क्या करेंगे, इट विल बी 360 डिग्री माइनस एंगल ए ई सी, ओके। सो 360 माइनस 75 और 60 कितना होता है बेटा, 135, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 225। यस, क्लियर? यस। क्या राशि बेटा,